विधायक जीतराम कटवाल ने विधानसभा क्षेत्र झंडुता के अंतर्गत लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत निर्मित किए जा रहे 330 मीटर लंबे बवखाल पुल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र झंडुता को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए अनेकों विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि लोगों को लंबे समय तक विकास कार्यों का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि पुल के बन जाने से झंडुता से कीर्तपुर तक की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पुल का निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है तथा 2 वर्षों के भीतर पुल के निर्माण कार्य को पूरा कर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुल के निर्मित हो जाने से विधानसभा क्षेत्र झंडुता के लोगों को चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब जाने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी जिससे धन और समय की बचत होगी। उन्होंने पुल निर्माण के लिए धन उपलब्ध करवाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि झंडुता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र विकास में सड़कें महत्वपूर्ण है, बिना सड़कों के क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों को यातायात के लिए बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 78 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय सड़क फंड के तहत बनने वाली मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड सड़क पनोल झंडुता बाया नंदनगरांव जेसबी सड़क परियोजना से कोटधार तथा झंडुता क्षेत्र के साथ अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत नंदगांव में 54 करोड़ रुपए, कोटधार को जोड़ने वाले गोविंद सागर झील के ऊपर लगभग 380 मीटर पुल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पुल का निर्माण कार्य लगभग 2 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये पुल क्षेत्र विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने गेमन इंडिया के अधिकारियों को पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। जो बागछाल पुल है, वर्ष 2005 में इसका शिलान्यास हुआ और 2007 में इसका काम बंद हो गया। कारण ये जो पियर्स थे, इसके जो पिलर देखते हैं P1 और P2, वो कितने अनसेफ हैं। वो इसका वजह से काम बंद हुआ 12 साल बाद 2018 में। उससे पहले हमारे साथ श्री कांशीराम जी हैं, ये कोटधार के एक अग्रणी विचारक नेता हैं, तो हाई कोर्ट में मामला ले गया और वहाँ से इसके आर्डर हुए। और वर्ष 2017 में जब मैं विधायक बना, 18 में हमने गवर्नमेंट से इसका मामला पिकअप करके बजट की व्यवस्था कराई, नई DPR बनी और 22 करोड़ रुपए की इसकी व्यवस्था की गई और इस तरीके से इसका काम दोबारा शुरू हुआ। 2018 के बाद 18 में काम हुआ, P1 जो पार वाला पिलर है उसका रिपेयर का काम, मेंटेनेंस का काम, स्ट्रेंथनिंग का काम हुआ। और अब 2019 में डैम का जल स्तर जो है पानी का नहीं उतरने के कारण इस पिलर पे कोई काम ना हो सका। इस बार गेमन इंडिया ने, हम सब लोगों ने मिलकर भरसक प्रयास करके इसका पानी के स्तर के साथ साथ अपनी गतिविधियां बढ़ाई और गेमन इंडिया के कोरोना के बावजूद भी गेमन इंडिया के जो अधिकारी कर्मचारी थे इनका काम शुरू करवाया गया, गवर्नमेंट से मामला टेकअप किया गया और 20-22 अप्रैल के दौरान ही इस क्षेत्र में जो लेबर थी उसको काम करने की परमिशन मिली और उसके साथ ही ये काम हुआ। बहुत खुशी की बात है कि जो पाइल्स थी, इसकी जो 10 पाइल्स इस पिलर के पास दिखती हैं, वो पूरी हो गई और अब पाइल कैप का काम चला हुआ है।